हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीसी लर्निंग स्टैंडर्ड एफआई बीकॉम सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टॉपिक नॉइस पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग. टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट नॉइस पोल्यूशन एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग. सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन्स मीनिंग, इट जनरली रिफर टू एज एन अनवांटेड साउंड और साउंड विच प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफर्ट एंड डिसकम्फर्ट ऑन द ईयर्स. जो साउंड अननीडेड साउंड जब अपना कान सुनता है और वो इरिटेट होता है. ओके, साउंड बिकम अनवांटेड व्हेन इट आइदर इंटरफेस विद नॉर्मल एक्टिविटी सच एज स्लीपिंग कन्वर्सेशन और डिस्टर्ब्स और डिसमिसेस वंस क्वालिटी ऑफ लाइफ. ओके, कितना एक्टिविटी जो अपन करते हैं जब अपन बोलते हैं वो एक लिमिट तक रहता है तो इट इज़ गुड टू हियर. But if goes above that limit, then it becomes very difficult to hear the noise. And जब वो noise बहुत difficult होता है सुनने के लिए, वो discomfort create करता है. भले वो human being रहने दो या animal रहने दो, किसी को भी वो sound discomfort create बहुत करता है. Sound which please the listener in music and that which can cause pain and annoyance in noise. At time, what is music for some can noise. For some can be noise for others. क्योंकि sometimes कोई जोर से गा रहा है या high pitch में गा रहा है वो किसी किसी को एक music जैसा लगता है. किसी किसी को ऐसा लगता है इतना शोर आवाज़ क्यों आ रही है. लेकिन ये बहुत बार अपन सुने इतना शोर आवाज़ क्यों करना है. किसी किसी को इट्स ओके फाइन, ये अच्छा लगता है. किसी किसी को वो बहुत इरिटेट होता है. ओके, सो साउंड इज सच लाइक कि वो साउंड जितना तक रहेगा, जितना अपन को अच्छा लगेगा सुनने, तब तक वो गुड साउंड में माना जाता है. अदरवाइज इट बिकम्स एज अ पोल्यूशन. एंड ये दोनों साइड को इफेक्ट होता है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट आल्सो एनिमल बट आल्सो स्पीशीज गेट इफेक्टेड बाय दिस नॉइस पोल्यूशन. Source of noise pollution, household gadgets, electronic product used in our house like television, mixer, grinder, washing machine, etc. will have the noise pollution. Okay, जो घर पर अपन noise create करते हैं उसके वजह से भी noise pollution ज़्यादा बढ़ता है जो gadget अपन use करते हैं. Okay, देन इंडस्ट्रीज एज वेल एज ऑफिसेज में भी नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है. इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत सारे मशीन्स बहुत हाई स्पीड में वो जब रन होता है तो कुछ भी सुनाई नहीं देता, सिर्फ मशीन का आवाज़ अपने कान के अंदर घुसता है. दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, देन वी हैव ट्रांसपोर्टेशन नॉइस. यस, ट्रांसपोर्टेशन नॉइस इज मोर अननेसेसरी. ट्रक्स और अननेसेसरी बाइक्स ज़्यादा राइड करने के नाम पे उसको गियर को ऊपर 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 गर 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 आवाज़ डालते हैं तो वो अनएक्सेप्टेड नॉइस और अननीडेड हॉर्न्स. ओके, ये सब है ना नॉइस पोल्यूशन को ज़्यादा बढ़ाता है और उधर का जो माहौल है उसको ही ख़राब कर देता है. इवन दो इट इज़ हाई ट्रैफिक इट्स फाइन, थोड़ा थोड़ा करके ट्रैफिक क्लियर होगा, पर उसमें एक के पीछे एक गाड़ी में हॉर्न का आवाज़ बजाते रहेंगे. इसके वजह से क्या होता है, उधर जो भी मॉल थोड़ा शांति से निकलने वाला रहेगा भी वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. ओके, सोशल इवेंट्स एंड गैदरिंग क्रिएट्स मोर नॉइस पोल्यूशन. सोशल इवेंट्स में ऐसा भी गैदरिंग्स में ऐसा भी हो जाता है कि बाजू वाला क्या बात कर रहा है वो भी सुनाई नहीं देता, उसके लिए उनको कान नीचे करके रख के सुनना पड़ता. हाँ बोल, क्या बोलते हैं भाई, है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं. यस, अगर अपन शादी वगैरह में जा रहे, बैंड बजाते रहे, दे आर गोइंग ऑन और ड्रम्स का नॉइस को बजाते जाते हैं, इट क्रिएट्स नॉइस एंड नॉइस एंड नॉइस. इवन द पर्सन हु इज सिटिंग बिसाइड अस, वो क्या बात करना चाहते हैं वो भी सुनाई नहीं देता है. ओके, दैट मच नॉइज इज क्रिएटेड. इसके वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है. ऑफकोर्स ह्यूमन हेल्थ का इफेक्ट 110% होता है. ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ एनिमल लाइफ का इफेक्ट होता है, फिर अपना वेजिटेशन का इफेक्ट होता है, फिर अपना कभी कभी प्रॉपर्टी का ऊपर भी इफेक्ट होता है.
ओके, ऐसा बहुत सारा सोर्सेस है जिसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसा भी अब पहला अपन ईयरिंग लॉस, दैट इमीडिएट एंड एक्यूरेट इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू द लाउड नॉइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल लीड टू ईयरिंग इम्पेरिमेंट। ज़्यादा नॉइस सुनने से, ज़्यादा नॉइस एक्सप्लोज करने से एक टाइम के बाद वो ह्यूमन हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। सर दुखता है, कान दुखता है, फिर हार्ट बीट बढ़ता है किसी किसी का, फिर इरिटेट आता है, फिर डिप्रेस में हो जाते हैं। ये सब कॉमन हेल्थ इश्यूज है जिसके वजह से ये दिस ह्यूमन हेल्थ के वजह से इफ़ेक्ट होता है, ह्यूमन हेल्थ में इफ़ेक्ट होता है। एनिमल लाइफ में देखा, एंड जनरल हेल्थ, हाई नॉइज लेवल्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट इन ह्यूमन, राइज इन ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। ओके, अपना ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करा देगा, और ज़्यादा आवाज़ करने से जो गाड़ी बराबर चला रहा है उसको भी चलाने को नहीं होगा। देन वी हैव इफेक्ट्स ऑन एनिमल लाइफ। इफेक्ट्स ऑन एनिमल लाइफ कॉजेज रिस्क ऑफ डेड बाय अल्टरिंग प्रेडेटरी और प्रेरी डिटेक्शंस एंड अवॉइडेंस, इंटरफेस विद reproduction and navigation and contribute to the permanent hearing losses. ओके, इससे एनिमल का लाइफ रिस्क में होता है। एनिमल का लाइफ ऐसे भी हो सकता है कि वो मर जा सकते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा अगर किसी एनिमल को बिना काटे ऐसा ही रख देते, बिना नॉइस पोल्यूशन के रखेंगे, दे विल बी हैव वेरी कूल माइंडेड। ओके, अगर ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन रहेगा उनका नर्व सिस्टम में डैमेज होने का चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है। इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, इफेक्ट ऑन वेजिटेशन में दिस वेजिटेशन क्वालिटी ख़राब होता है, इवन दो इट इज़ ए प्लेजेंट एटमोसफियर, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव, वेजिटेशन आर वेरी वेरी सेंसिटिव। ओके, दे आर वेरी कूल, दे आर वेरी पीसफुल, एंड देन इफ दे फाइंड दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टीज बिकम वेरी डिफिकल्टी फॉर देम टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ओके, देन सोल्यूशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन में ऐसा है कि प्लांट मोर ट्रीज अराउंड द गैदरिंग सोर्सेस, जितना जिधर आप उन गैदर करते हैं उधर जितना चाहिए उतना ज़्यादा प्लांट करो। रेगुलर सर्विसिंग एंड टर्निंग ऑटोमोबाइल्स कैन इफेक्टिवली रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन। ओके, रेगुलरली आप सर्विस करोगे, रेगुलरली आप ट्यूनिंग करोगे तो उसके वजह से नॉइस पोल्यूशन कम हो सकता है। और जिधर ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन हो रहा है उधर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे तो वो पोल्यूशन कंट्रोल में ला सकते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, देन वी हैव बिल्डिंग कैन बी रीडिजाइन विद सुटेबल नॉइस ऑब्जर्वेशन मटेरियल फॉर द वॉल्स, विंडोज एंड सीलिंग्स। यस, दिस इज कैन ऑल्सो बिकम वन ऑफ एन एग्जाम्पल, बिकॉज दिस इज अ प्लेस विच इन विच आवर पॉवर्टी इज नॉट इंक्लूडेड, बट थिंग इज हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ओके, वर्कर्स शुड प्रोवाइड विद इक्विपमेंट सच एज कार प्लग एंड MF फॉर ईयरिंग प्रोटेक्शन। ओके, सो वर्कर्स शुड प्रोवाइड दैट ऑल्सो। देन वी लर्न अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, अभी ग्लोबल वार्मिंग होता है क्या, उसका पहला मीनिंग समझते हैं। अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर जनरली एट्रीब्यूटेड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पोल्यूटेंट्स। कार्बन, ग्लोबल वार्मिंग किसका लेवल इंक्रीज में दिखता है, एक अपना कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इज पोल्यूटेंट्स। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स। देन वी कम टू द इफेक्ट्स, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन में
मैनी टाइम यू से देर आर मैनी वे टू सम इन्फ्रारेड रेडिएशन टू ऑब्जर्व द टेरेस गैसेस एंड देर आर मैनी वे टू प्लेजेंट मेक द ग्लोबल वार्मिंग अंडर द कंट्रोल. सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट द इफेक्ट्स. ओके, इफ़ यू सी दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन द एटमोसफेयर ट्रैप हीट कीपिंग द अर्थ वार्म. ओके, एंड वंस अ ग्लोबल वार्मिंग इज देयर इट वेवलेंथ विल बिकम थिन. यू विल गेट स्ट्रेट अवे द एटमोसफियर रेस एंड वेन यू गेट स्ट्रेट अवे एटमोसफियर रेस लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ सिक विल बी प्रोवाइडेड. ओके, दिस इफेक्ट ऑफ the warmed surface of the earth then radiation heat back towards the space in a longer way length the sunlight. Okay, on this way some of the infrared radiation is absorbed by the trace gases nitrogen and oxygen making an approximately 20-80% of atmosphere are transferred and plays no part in this process. Okay, this kind of effect goes on increasing because the rays will come straight away to the earth and once the rays come straight away to the earth then it becomes very very difficult. Okay, what are the causes of global warming? There are many causes of global warming, but main causes are deforestation, pollution, greenhouse gases around Earth atmosphere. The greenhouse gases traps and absorbs the atmosphere heat and ultimately cause global warming, can increase the surface temperature. You can increase the surface temperature, but the greenhouse gases has traps to absorb this kind of problem. This kind of causes are found in global warming. Then we have rise in global temperature. Extreme weather condition, drought, flood, tropical cyclones, storms, snowfalls and wilds become more common. Yes or no? ये global warming के वजह से ये सब problem create होना बहुत common होता है. Biological effect होता है. Both plants as well as animal को global warming effect करता है. Submergence of low-lying areas on the earth would occur due to the melting of the polar ice caps and glaciers submerging many coastal lowland plains. Okay, जितना हो सकता है उसका lowland plains में ही काम होता है. हो सकता है if it is melting on the polar ice caps and glaciers then many coastal low-lying plains have been formed. Okay, agriculture crop patterns has been disturbed due to the global warming and storage and starvation has been increased in the global warming. Human health effects get more diseases which would be cause damages in malaria and other mosquito prone diseases because of this global warming. Loss of plankton due to warming seas resulting in disruptions of the aquatic food, aquatic areas may be disturbed hona. Unka bhi radiation straight away sun se under the water tak jana. Ye sab problem unko face karna padega. Okay, this kind of problem they have to face. Thank you.